नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं लास्ट कुछ वीडियो से आपको भावार्थ रत्ना करके डिफरेंट लग्नों के बारे में कहे हुए एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा हूं, और वो डिफरेंट लग्न के बारे में जो एक्सेप्शंस भावार्थ रत्नाकर में लिखे हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, और उनका प्रेडिक्शन में यूज बहुत अच्छा करना चाहिए, तभी प्रेडिक्शन एकदम 100% सक्सेसफुल होती है। अभी मैं आपको कर्क लग्न तक बता चुका हूँ सारा, कर्क लगन का, मिथुन लगन का, मेष लगन का, वृष लगन में क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए वो बता चुका हूँ। आज मैं आपको सिंह और कन्या लगन के बारे में बताऊंगा कि सिंह और कन्या लगन वालों जातकों के लिए विशेष रूप से क्या बातें ध्यान देनी चाहिए प्रेडिक्शन करते वक्त। जब भी सिंह लगन की कुंडली आपके पास आए या कन्या लगन की कुंडली आपके पास आए तो क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे आता हूँ, और ये सिंह लगन के बारे में बता रहा हूं मैं पहले आपको। सिंह लगन में ये कहता है, सिंह लगने तू जातस्य रवि सौम्य कुजा यदि परस्परेण संयुक्ता धन बाहुल्य मा दिशेत। क्या मतलब हुआ इसका? सिंह लगन में तू जातस्य, कि सिंह लगन हो, रवि सौम्य कुजा, रवि सौम्य कुजा मीन्स रवि मीन्स के सूर्य, सौम्य मीन्स बुध, कुजा मीन्स मंगल, यदि परस्परे संयुक्ता परस्पर संयुक्त हो या दृष्टि दे रहे हों तो ऐसे जातक के पास बहुत धन होता है, धन बाहुल्य होता है। वो कैसे? देखिए, सूर्य बुध आपके, सूर्य क्या है आपका? सूर्य लग्नेश, बुध क्या है? धनेश। और मंगल क्या है आपका? मंगल पूर्ण योग राजयोगकारी ग्रह है यहाँ पे, उसके पास एक भागता स्वामी, भाग्य का भाग्येश भी है और वो भी है। तो आप जानते हैं कि जब तीन ऐसे ग्रहों का संबंध हो जाए, दो या दो से अधिक ऐसे ग्रहों का संबंध हो जाए जो एक ही चीज को इंडिकेट करते हो, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया है। अब ये सब चीजें धन को इंडिकेट करती है, लग्नेश भी धन को इंडिकेट करता है, भाग्येश भी धन को इंडिकेट करता है, धनेश तो धन को इंडिकेट करता ही है, लाभेश भी धन को इंडिकेट करता है। जब इन दो तीन लोग चीजों का संबंध आपस में हो जाता है तो धन की प्राप्ति होती है, उससे ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है। तो इसी श्लोक का मतलब इसके अंदर ये दिया हुआ है। तो जब भी सिंह लग्न की कुंडली आपके पास आए और इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिले तो आप समझ जाइए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा श्लोक आता है, दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, यदि सूर्य गुरु सिंह लगने तू जातस्य रवि जीव बुधा यदि, सिंह लगने तू जातस्य रवि जीव बुधा यदि परस्परेण संयुक्ता धन माहुल्य मा दिशेत। ये कहता है सूर्य गुरु और बुध किसी सिंह लगन वाले जातक के परस्पर संयुक्त हो, यानी सूर्य गुरु और बुध, तो जातक बहुत धनी होता है। वो कैसे? अब यहां भी सभी ग्रह जो देखें आप, देखिए सूर्य देखिए लग्नेश, तो ये भी धन का द्योतक है। बुध क्या है? बुध आपका धनेश है और लाभेश है, ये भी धन का द्योतक है। गुरु क्या है? गुरु नवमेश है, पंचमेश है। तो मैंने आपको बताया था कि पंचमेश भी धन का द्योतक होता है। तो यहाँ भी सारे ग्रह जितने बैठे हुए हैं आपस में एक साथ, तो सब धन के द्योतक हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि धन भाव में पड़ती है, धन अच्छे भाव में पड़ती है। तो जब एक दो या दो से अधिक ग्रह एक ही चीज के इंडिकेटर हो जाते हैं तो उस चीज की वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए यहां पर जातक को बहुत धन मिलेगा। उसके बाद मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक ही लिए हैं। उसके बाद श्लोक आता है कि सिंह लगने तू जातस्य गुरु शुक्रो न योग दो, योग भंग करो किंतु विदुर ज्योतिष को तमा। सिंह लगन वालों के लिए गुरु और शुक्र की योति योगदायक नहीं होती, बल्कि उल्टा योग को भंग करने वाली होती है। ये क्या चीज इन्होंने कही है कि सिंह लगन वालों के लिए गुरु और शुक्र की जो युति है वो योगदायक नहीं होती, बल्कि उल्टा योग को भंग करने वाली होती है। देखिए गुरु क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। गुरु आपका है पंचमेश, और शुक्र क्या है? शुक्र आपका है दशमेश और तृतीयेश। अब देखिए पंचमेश बैठा है, गुरु बैठा है वहां पे केंद्र में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। लेकिन साथ में शुक्र बैठा है, और साथ में शुक्र जो है वो केंद्रेश है एक तो, दूसरा वो तृतीयेश भी है, तीसरे भाव का स्वामी भी है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि केंद्रेश जब भी अच्छे होते हैं, जब वो लग्न के मित्र हों तभी वो उस कुंडली के लिए कारक ग्रह होते हैं। तो इसलिए शुक्र जो है यहाँ पे कारक ग्रह नहीं बन रहा है एक कुंडली के लिए, सिंह लगन की कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये योग ना बना, मतलब केंद्र और त्रिकोण का जो योग हम सोच रहे थे कि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का,
एक योग बन गया, वो उल्टा योग नहीं हुआ, वो योग को भंग करने वाला हो गया, क्योंकि वो तृतीयेश भी है, शुक्र यहां पे तृतीयेश भी है। आगे चलते हैं, आगे श्लोक है, सिंह लग्ने तू जातस्य तृतीयस्थो भृगुशभ राजयस्थो शुक्र पापस्य अनयोगम लभते नर। सिंह लग्न वालों का तृतीयस्थ शुक्र शुभ फलदायक होता है और दशमस्थ शुक्र कोई योग फल नहीं देता। ये इसका क्या मतलब है, इसको आप देखने की आपकी जरूरत है। ये श्लोक पांचवा श्लोक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, कहता है कि सिंह लग्न वालों का तृतीयस्थ शुक्र यानी सिंह लग्न वालों में जो तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है वो शुभ फलदायक होता है। वो क्यों शुभ फलदायक होता है, क्योंकि वो अपनी स्वय राशि में बैठा हुआ है तृतीय भाव के अंदर, तो वहां पर वो अच्छे फल देगा। और दशमस्थ शुक्र जो है कोई योग फल नहीं देता। दशमस्थ शुक्र क्या है, दशमस्थ शुक्र वहां पे केंद्र का स्वामी बन जाता है, और केंद्र का स्वामी बनने के बाद, एक तो पहली बात मैंने आपको बताया कि केंद्र के स्वामी यदि लगन के भीतर हो तभी वो उस कुंडली के लिए अच्छे कारक माने जाते हैं। तो यहाँ केंद्र का स्वामी तो वो बना लेकिन कारक नहीं हुआ। दूसरा, केंद्र का स्वामी बनने से उसमें केंद्राधिपति दोष भी आ गया, और केंद्राधिपति दोष के कारण भी शुक्र में कमी आ गई। तो इसलिए शुक्र जो है सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर दशमस्थ बैठा हुआ है, दशम भाव में है, तो वो कोई भी शुभ फल नहीं देगा। अगर वो तृतीय भाव में है तो वो शुभ फल देगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक कहता है, सिंह लग्ने तू जातस्य रवि सौम्य कुजा स्थिता लग्ने बुद्ध दशा काल धन भाग्य बहुप्रदा। कहता है यदि सिंह लगन में सूर्य बुद्ध और मंगल स्थित हो, एक ही लगन में सूर्य सिंह लगन में सूर्य मंगल और बुद्ध स्थित हो, तो बुद्ध की दशा में जातक को धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे कैसे, देखिए ये सोचने वाली बात है। देखिए बुद्ध के बारे में तो एक नियम है कि जिसके साथ बैठता है उसी का फल करता है, तो बुद्ध जो है वो सूर्य और मंगल का ही फल करेगा क्योंकि उनके साथ वो स्थित है, सूर्य मंगल के साथ। अब सूर्य क्या है, सूर्य लग्नेश है। मंगल क्या है, मंगल एक राजयोगकारी ग्रह है, नवमेश है, शुभ है। तो मतलब बुद्ध जो है वो दोनों के साथ, भाग्येश के साथ भी हो गया। तो देखिए बुद्ध क्या हुआ, जहां लग्नेश बैठता है या लग्नेश जिसके साथ होता है उसकी वृद्धि करता है, तो लग्नेश बुद्ध के साथ है तो उसने बुद्ध की वृद्धि करी। दूसरा सिद्धांत ये भी है कि जहां भाग्येश जाएगा और भाग्येश बैठेगा वहां भी वृद्धि करेगा, तो भाग्येश यहां बुद्ध के साथ बैठा है तो उसने बुद्ध की वृद्धि करी। तो बुद्ध की दिशा में जाकर तो धन और भाग्य की प्राप्ति धड़ल्ले से होनी है, ये बात आप ध्यान से रखिए, अगर सूर्य बुद्ध मंगल सिंह लग्न में बैठे हुए। अगला श्लोक चलते हैं, कन्या लग्न आ जाता है, इसमें छह ही श्लोक हैं, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। कन्या लग्न में चलते हैं, कन्या लग्न में पहला श्लोक जो इसके अंदर है वो ये कहता है कि कन्या लग्ने तू जातस्य भृगो चंद्रस्य वा यदि संबंधो यदि विद्येत रवेर दाये धनागम। यदि कन्या लग्न में जन्म हो, किसी की जातक का कन्या लग्न में जन्म हो और सूर्य और शुक्र का अथवा सूर्य तथा चंद्र का युति द्वारा संबंध हो, तो सूर्य अपनी दशा में धनी बनाता है। वो कैसे बनाता है, ये सोचने वाली बात। देखिए ये सूर्य चंद्र मैंने दोनों एक साथ नहीं दिखाए, मैं दिखाया कि दोनों में से एक हो सकता है, कि सूर्य शुक्र बैठा हो साथ में या सूर्य चंद्र बैठा हो, किसी भाव में भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे सूर्य अपनी दशा में धनी बनाएगा, अगर सूर्य तथा शुक्र की युति है या सूर्य तथा चंद्र की युति है। सूर्य इसमें क्या बनता है, सूर्य इसमें द्वादशेश बनता है कुंडली के अंदर। शुक्र क्या बनता है, शुक्र इसमें भाग्येश बनता है और धनेश बनता है। अच्छा, द्वादशेश की सबसे बड़ी खासियत, द्वादशेश के बारे में नियम यह होता है कि द्वादशेश जो होता है उसी ग्रह का फल करता है जिसके साथ वो स्थित होता है। महाभारत रत्नाकर के अंदर यह भी दिया हुआ है कि द्वादशेश उसी ग्रह का फल करेगा, जिस तरह से बुद्ध उसी ग्रह का फल करेगा जिसके साथ स्थित होगा, ऐसे ही द्वादशेश भी उसी ग्रह का फल करेगा जिसके साथ स्थित होगा। और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि युति के अंदर ग्रह एक दूसरे के गुण स्वरूप को ले लेते हैं। तो शुक्र, क्योंकि दशा जो शुक्र जो है वो धन का कारक है, भाग्य का कारक है, तो सूर्य अपनी दशा में धनी बनाएगा। तो चंद्रमा से कैसे आया, चंद्रमा का भी सेम बात है, लाभ कारक ग्रह है, लाभ का स्वामी है, तो वहां भी यही हुआ, द्वादशेश उसके साथ फल करेगा जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा। ये तो इसके अंदर आ ही गया कि द्वादश भाव का स्वामी उस ग्रह का फल करेगा जिसके साथ वह स्थित होगा। तो ये किसके साथ स्थित है, लाभेश के साथ स्थित है, चंद्रमा लाभेश है, तो चंद्रमा के साथ स्थित होने से वो लाभ का फल करेगा, धन का फल करेगा, तो सूर्य अपनी दशा में धन
देगा। ये बात कन्या लगन के लिए ही इंपॉर्टेंट है और किसी लगन के लिए नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए। किसी और लगन में ये चीज की युति का मत लगाइएगा कि किसी भी लगन में सूर्य शुक्र या सूर्य चंद्र की युति आई तो आपने कहा कि सूर्य धन देगा, ऐसा नहीं। केवल कन्या लगन में ही ये पॉसिबल है और किसी के अंदर नहीं। इसलिए ये भावार्थकता करके श्लोक स्पेसिफिक श्लोक से एक श्लोक उसमें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है भावार्थकता करने, वो ये कहता है कन्यायाम जायमानस्य गुरु से शुक्रो चतुर्गो गुरु से शुक्र दशा काले योग दो भवती ध्रुवम। यदि गुरु और शुक्र धन राशि में, गुरु और शुक्र धन राशि में मीन्स धनु राशि के अंदर गुरु और शुक्र हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो गुरु और शुक्र अपनी दशा काल में शुभ फल करते हैं। ये कैसे? गुरु और शुक्र अपनी दशा, अगर कुंडली में कन्या लगनी कुंडली हो और गुरु और शुक्र चौथे भाव में अपनी धनु राशि में हो तो शुभ फल करते हैं अपनी दशा काल में। कैसे फल करते हैं? देखिए गुरु को देखिए, गुरु तो अपनी ही राशि में है, नवे अपने राशि के अंदर बैठा हुआ है। शुक्र क्या है? शुक्र धनेश है। शुक्र क्या है? शुक्र धनेश है। तो शुक्र जो है वो कन्या लगन के लिए शुभ ग्रह होता है और त्रिकोण का स्वामी भी है। तो केंद्रेश गुरु से अब त्रिकोण का स्वामी की युति हुई है केंद्रेश के साथ, तो ये तो नियम बनता ही है। आपको मालूम है कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी आपस में मिल जाएं तो राजयोग बन जाता है। तो शुक्र जो है वो त्रिकोण का स्वामी है, गुरु जो है वो केंद्र का स्वामी है। गुरु 9 और 12 उसके पास केंद्र है, तो त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी मिलकर यहाँ पे राजयोग बनाते हैं। तो गुरु और शुक्र की दशा काल में शुभ फल करेंगे। तो ये सिंपल सिद्धांत आपको याद रखना है कि जब भी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी कहीं केंद्र में बैठे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र का स्वामी कहीं त्रिकोण में बैठे तो राजयोग बनता है। तो यहाँ दोनों देखिए राजयोग बना रहे हैं, शुक्र त्रिकोण का स्वामी है और गुरु केंद्र का स्वामी है, दोनों मिलकर राजयोग बना रहे हैं, तो दोनों अपनी दशा में बहुत अच्छा फल करेंगे। ये इसमें देख दिया हुआ। इसका एक और श्लोक है, लास्ट श्लोक जो उसका बनता है वो यह है कन्यायाम जाय मानस्य शनिर लाभ स्थितो यदि शनिर दाये चे संप्राप्ते योग युक्तो भन्ये नर। ये क्या मतलब हुआ? यदि शनि कर्क राशि में स्थित हो एकादश भाव में तो अपनी दशा में धन आदि शुभ फल देता है, ऐसे कैसे? ये बहुत सोचने वाली बात है कि शनि लाभ भाव में तो है लेकिन शनि है कौन? ये शनि तो षष्ठेश है और षष्ठेश अगर लाभ भाव में चला गया, शनि तो क्योंकि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है और शनि षष्ठेश होकर लाभ भाव में जाएगा तो ये तो आप जानते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी जहां जाते हैं उस भाव की हानि करते हैं, तो उसको तो लाभ भाव की हानि करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी दशा में शुभ फल कैसे दे रहा है? तो ये देखिए कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से कहाँ गया है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा गया है। तो ये सिद्धांत है कि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8 और 12 भावों में हो और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6, 8, 12 भावों में जाए तो उन भावों का, अपने भावों का हानि करता है। तो चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है अब वो अपने से ही छटा गया है तो वो अपने इस भाव की हानि करेगा, अपने छठे भाव की हानि करेगा। छठे भाव की हानि करेगा मतलब यह है कि ऋण की हानि करेगा और आपके रोग की हानि करेगा, शत्रु की हानि करेगा, तो आपको धन आदि सुफल देगा। तो आशा करता हूं कि ये श्लोक आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो श्लोक मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ इन्हीं लग्नों के लिए हैं, कन्या लग्न के लिए और सिंह लग्न के लिए, किसी और लग्न में इनको ट्राई ना करें, ये बहुत जरूरी है। और आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके इस लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।